from what Yunus said, Hafiz, coming to you with that, I have a follow-up question. And I would love to hear your opinion on it as well. We talk about the India match and we talk about pressure and how Pakistan somehow weren't able to, you know, handle that pressure well. Hum baat karte hain, dono teams pe itna pressure hota hai. Lekin India ki team pe bhi wohi pressure hai, wo bhi wohi match khel rahe hain. Phir kyun aisa hota hai ki hamesha Pakistan hi us pressure mein aake behtar perform nahin karta. It's always the opposite. India make use of that pressure and somehow their players, that pressure brings out the best in India, but with Pakistan, it's the opposite. Aisa kya psychologically hai humare saath? What's wrong with us psychologically that we cannot handle that pressure and use it to our advantage? Dekhen, ek to obviously a hard breaker hai for everyone as a fan of Pakistan cricket, ke hum log one sport nation hai, uske bawajood agar is khel ke saath result achhe nahin aayenge, to hum bahut bade fan club ko hum log unke dil todenge, ya unki narazgi jaiz hai bilkul, ye to baat maanna padegi. अब देखें आपका ये वाला सवाल जो मेंटल साइड को हिट करता है, जो मेंटल साइड है वो तब होती है जब आप आउट ऑफ कंफर्ट आके अपने आप को तैयार करते हो. हमेशा आपकी जो मेंटल टफनेस है दैट ओनली कैन गो दैट फार इफ यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. अगर आप अपने कंफर्ट जोन में अपनी मर्जी से खेलना चाहते हैं, मर्जी होगी तो खेलूंगा, मर्जी होगी तो नहीं खेलूंगा, अपने जोन में रहकर खेलना चाहता हूं, ये मेरा कंफर्ट जोन है, मैं अपना नंबर नहीं छोड़ूंगा. तो ये वो चीजें हैं जो अनफॉर्चुनेटली लीड करती हैं आपकी मेंटल वीकनेस की तरफ. कहने को बड़ा आसान है जी मैं मेंटल टफ हूं, मेंटल टफ ये इंसान बैठा हुआ है मुश्किल हालात के अंदर. इसे मुझे बताएं 10,000 रन पाकिस्तान के या दुनिया के कितने लोगों ने किए हैं, तो क्या वो ऐसे ही हो गए थे? उसके लिए कोई मेंटली टफ होना जरूरी नहीं था, आसान आसान सा खेल था. 2009 का वर्ल्ड कप इसने एज ए कप्तान जितवाया हुआ है, तो क्या वो ऐसे जीत गए थे? अंदर जाते थे मैं जीत के आते थे? नो, यू नीड टू बी अ मेंटल टफ. और वो कब आती है? जब आप आउट ऑफ कंफर्ट जाके अपने आप को ट्रेन करते हैं. सिंपल इज दैट. अभी मैं आपको बताता हूं कि ये सब कुछ हुआ है, इसमें पॉलिसी मेकर कहां है? हम ढूंढ रहे हैं ना बंदे सर्जरियों के लिए. सबसे पहले तो सर्जरी आंख की करवाएं जो देख नहीं सकी, उस दिमाग की करवाएं जो समझ नहीं सकी, सोच नहीं सकी कि ये हम लोग क्या करने जा रहे हैं. तो वो जो पॉलिसी मेकर है वो आज का है. जो म्यूजिकल चेयर हमने अपने चेयरमैनशिप के हवाले से दौड़ाई है पिछले दो सालों में, जिस तरीके से हमने चेयरमैनशिप को हमने बदला है और उसी के साथ कप्तानियां बदल दी गई, ये वाला जो फैसला है, जिस दिन यह फैसला लिया गया था, मैंने उस दिन अपनी एक डिफरेंट चैनल के ऊपर स्टेटमेंट दी थी कि यह फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकता क्योंकि आप ये गलत कर रहे हैं. मैं अभी आपको बता रहा हूं, आप यूनुस भाई को यहां से उठा के वहां और वहां वाले बंदे को यहां ले आए, इनके दिल में एक सोच आ जाएगी कि यार मुझे वहां और इनको यहां क्यों लेके आए हैं. आपकी मैं सीट बदल दूं, आपकी जगह एरन बैठ जाए, एरन की जगह आप बैठ जाए, तो आप सोचना शुरू कर देंगे यार ये क्यों हुआ, एम आई डूइंग नॉट थिंग्स राइटली. तो ये छोटी सी चीज करने से इतना बड़ा फर्क पड़ता है मेंटल. आपने एक दम से किया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टैब्लिशमेंट थी ना जिसने फैसला लिया कि हमने शाहीन को कप्तान बनाना है, और फिर वो कप्तानी वापस दो महीने के बाद कप्तानी बदला दी गई, वर्कलोड मैनेज करना था. दैट्स ये वो बातें हैं सिर्फ लोगों को बताने के लिए. तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, मैं कुछ चीजें को आपको हाईलाइट करता हूं. जवाब मेरे पास नहीं है, जवाब या तो पॉलिसी मेकर देंगे या आवाम खुद ही समझ आएगी. पॉलिसी मेकर किधर है? कप्तान का डिसीजन चेयरमैनशिप की म्यूजिकल चेयर के साथ बदलता गया, उसका कौन जिम्मेदार है? मुझे ये बताएं कि जो आपका बीओजी मेंबर है, क्या वो रबर स्टैंप है? क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? ये सारे फैसले उनसे पूछ के लिए गए हैं ना. जब चेयरमैनशिप आती है तो एक बीओजी की अप्रूव्ड मेंबरशिप के साथ वो वहां पे बैठती है, इसलिए वो मैं चेयरमैन बनता ना. क्या वो आज इस्तीफा देंगे? उन्होंने ये फैसले नहीं करवाए लेकिन वो बैठे रहेंगे, बिकॉज उनको सिर्फ क्रेडिट लेना आता है. जितने भी हमारे अहदेदार हैं वो सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं और जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं. ये इसी के ऊपर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, आपने बात की म्यूजिकल चेयर्स की, जस्ट यू नो फ्रीक्वेंट चेंज और एक इंस्टेबिलिटी. वो इंस्टेबिलिटी के कुछ अगर स्टैट्स भी हम देखें, सिंस जनवरी 2023 22 सिलेक्टर्स हैव बीन changed in Pakistan cricket across the board, 19 coaches in all departments. Yeah. So yeah, when we talk about doing well at the international stage in these big tournament and big World Cups, that stability within the team is not just the answer, right? You talk about sacking players, aap captain change kar dein, aap players change kar dein, number 5 ka batter change kar dein, aap spinner naye le aaye, but overall jis tarah aapne highlight kiya ki upar top management जब तक स्टेबिलिटी वहां नहीं आएगी आप कोचेस चेंज कर दें, ये लूप नहीं खत्म होगा. बताता हूँ रोहित, ये कुर्बानी के बकरे रखे होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट. अनफॉर्चुनेटली हमारे ही क्रिकेटर्स और हमारे ही सिस्टम में से कुर्बानी के बकरे ढूंढते हैं, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख वो उसको दे रहे होते हैं, लेकिन मौके पर आकर उसी का गला कटता है, खुद बच जाते हैं क्योंकि क्रेडिट उन्होंने लेना है. लेकिन कुर्बानी के बकरे अब सामने आएंगे, आपको बड़ी चीजें नजर आएंगी. मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि डिसीजन मेकर अगर आप छुप रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ये जो पूरा प्रोसेस चला है ये दो चीजों को समराइज करता है, एक डील थी और एक ग्रीड थी, एक लालच थी कि हम लोग गलत तरीके से जीत जाएं. जब भी आप अनप्रोसेस्ड वे में कुछ हासिल करना चाहेंगे आपको नाकामी होगी. आपने डील की, ग्रीड किया, कॉम्प्रोमाइज किया सिस्टम के ऊपर. सिस्टम में कोई भी बंदा अगर आप उठाते हैं ना, जैसे मोहम्मद अली है,
वो एक शानदार परफॉर्मर है, डोमेस्टिक का प्लेयर है, उसको कभी मौका नहीं दिया। आज यही 8 प्लेयर आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उन्हीं के अलावा आपको कोई दूसरी सोच नजर नहीं आ रही, बिकॉज वी नेवर ट्राइड समवन एल्स, वी नेवर गिवन इनफ अपॉर्चुनिटीज टू समवन एल्स। फिटनेस स्टैंडर्ड आज से 8 माह पहले यहां पे कॉम्प्रोमाइज किए गए। मैं जब 2 माह के लिए पाकिस्तान टीम का डायरेक्टर बना, व्हेन आई नोटिस दिस थिंग आई रेज दैट पॉइंट दैट पाकिस्तान क्रिकेट हैज टू लुक आफ्टर देयर फिटनेस, फिटनेस स्टैंडर्ड हैज टू बी देयर। मुझे सबसे ज्यादा बैशिंग की गई, मैंने कहा पाकिस्तान को डोमेस्टिक क्रिकेट का खेलना जरूरी है। मेरी सिफारिशात जो मैंने जब एज ए डायरेक्टर छोड़ा, मैंने एक रिपोर्ट बनाई और मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को मिलकर वो प्रेजेंट करना चाहिए कि मुझे रखे ना रखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर हूं जिसने कुछ चीजें नोट की हैं, मैं आप तक वो पहुंचाना चाहता हूं कि आप वो मुझसे ले लें और उसको कोई भी फैसला लेने से पहले पढ़ लीजिएगा ताकि आपको बेहतर फैसला कर सके। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ठीक होगा, ना मुझे मिलने का मौका मिला, मैंने बारहा को 15-20 तरीकों से उनसे मिलने की कोशिश की, ही नेवर वांटेड टू मीट मी न्यू चेयरमैन साहब, और ना ही मैं शर्त लगाने को तैयार हूं। मैं आपको ये बड़े मसूख से कह रहा हूं कि उन्होंने कभी उसको खोला भी नहीं होगा, बिकॉज उनके पास टाइम ही नहीं था, दे वर फ्लाइंग हाई समवेयर। अब हुआ ये कि उसमें सिफारिशात क्या थी, सिंपल ये था कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको बचाने के लिए ये चीजें मैंने नोट की हैं जो रॉन्ग वे में चल रही हैं, फिटनेस स्टैंडर्ड, एक 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 सेल्फिश जोन, एक ऐसा जोन जहां पे प्लेयर अपने अलावा दूसरे कंफर्ट जोन। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरी ऑब्जर्वेशन थी ऑन टूर और वो मेरा हक था कि मैं बताऊं कि क्या वजूहत हैं। बट यू डिड योर बेस्ट टू कम्युनिकेट इट टू, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट बट नेवर बीन एड्रेस्ड। उसके बाद मैंने उनको एक दो चीजें सिर्फ बताई कि पाकिस्तान की क्रिकेट के ये मसाइल आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई उनको फर्क नहीं पड़ा। हुआ ये कि आपका ये जो कुछ भी नजर आ रहा है ये आपने खुद ही फैसले लिए, लेने के बाद ये सारा सिनेरियो जो हमारे सामने आ रहा है, अब हम बंदे ढूंढ रहे हैं, अब हम ब्लेम गेम की तरफ जा रहे हैं। हुआ ये कि ये जो क्वालिफिकेशन अभी नेट रन रेट और ये चीजें क्या हमें नहीं पता होता कि जब भी हम ऐसे टूर्नामेंट में जाते हैं क्वालिफिकेशन करने के लिए या जहां पे 5 टीमें होगी हमें ईच एंड एवरी गेम जीतना है, ये हमें नहीं पता, हम सबको पता है। 2019 में भी ऐसा हुआ, हम नेट रन रेट से बाहर हो गए क्योंकि हमारे सपोर्टिंग स्टाफ को उस वक्त ये आइडिया नहीं था कि यार हमने नेट रन रेट के हेड रह के खेला या दूसरी टीमों के साथ कम्पीट। इवन द लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप इट वाज डाउन टू नेट रन रेट वंस अगेन फॉर पाकिस्तान। ये बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो बार 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 आ रहे हैं, लेकिन अब अगर इस वक्त पाकिस्तान की कप्तान को बदला गया तो ये भी एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि आपने खुद सोच समझ के फैसला लिया ना। आप उस बेचारे कप्तान को कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए, आप उसको अगर आप किसी वजह से लेके आए थे आप उसको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दें ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो तरीकाकार है ये खत्म किया जाए कि जब भी वर्ल्ड कप खत्म होता है हमारा कप्तान बदल जाता है। मेरे साथ हुआ है, यूनस भाई के साथ ही हुआ, अगर उन्होंने अपने विटनेस किए होंगे तो ये तरीकेकार गलत है। अब इस वक्त अगर आपने कप्तान बनाया तो इस वक्त कप्तान को बदलना बहुत बड़ी ज्यादती फिर से होगी।